which one is more reactive? Option A is formaldehyde. Choice B is acetaldehyde, or ethanol. And choice C is a propanone or acetone. And D, and you have equal reactivity. Okay, ab yaad rakhein ki aldehydes are more reactive than ketones. To means ki C choice and D choice gaye. Ab bachta hai formaldehyde choice A and acetaldehyde choice B. The formaldehyde HC double bond O bonded to H and bonded to H. And acetaldehyde CH3 bonded to carbon, double bonded oxygen and hydrogen. Aur saath mein idhar ketone bhi main draw karunga taki aapko ye pehla statement bhi samajh mein aaye. Ye koi ek journal ketone hai, this one. Okay. Ab aldehyde aur ketones, inke favorite reaction hai nucleophilic addition reactions. यानी एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होगा इस पॉजिटिव कार्बन पे. तो इस न्यूक्लियोफाइल की एक्सेसिबिलिटी जितनी पॉजिटिव कार्बन के तरफ ज़्यादा होगी तो मीन्स के दैट एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव. अब ऐसे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, इसमें न्यूक्लियोफाइल फॉर्मल्डिहाइड के पॉजिटिव कार्बन तक पहुंच सकता है, उसके ऊपर अटैक कर सकता है ईजी. क्यों? क्योंकि ये दो हाइड्रोजन जो हैं दीज आर स्मॉलर इन साइज, सो न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच टू द कार्बन. जबकि एसिटल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच डिफ़िकल्ट हो गया है बिकॉज देयर इज़ ए बल्की अल्काइल ग्रुप. तो इस वजह से अब वो आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा पॉजिटिव कार्बन तक, जबकि कीटोन्स में न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच मज़ीद मुश्किल हो जाता है बिकॉज द पॉजिटिव कार्बन इज़ बॉन्डेड या सराउंडेड बाय टू बल्की ग्रुप्स. अब इसका पहुंच मज़ीद मुश्किल हो गया है. तो एक तो ये रीज़न था. दिस रीज़न इज़ नोन एज स्टीरिक हिंड्रेंस. स्टीरिक हिंड्रेंस एक रिएक्शन मॉलिक्यूल के शेप या साइज की वजह से स्टॉप हो जाए या स्लो हो जाए, तो इसको कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस. अच्छा, दूसरा, इस कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होगा. अब फॉर्मल्डिहाइड में इस पॉजिटिव कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं विच आर लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो मीन्स के दिस कार्बन इज़ मोर पॉजिटिव. एसिटल्डिहाइड में CH3 ये एक गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
तो इस वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी अब मुश्किल हो जाएगा। जबकि कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन है वो दो अल्काइल ग्रुप उसके साथ बॉन्डेड हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन दोनों तरफ से हो रही है, सो द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन इज़ डिक्रीज्ड एंड दस इट इज़ लेस अट्रैक्टिव फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन इट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड is more reactive than acetaldehyde and acetaldehyde is more reactive than any general ketone. So choice A is the correct choice.